गाइज इतने सुंदर सुंदर फ्लोर टच गाउन विद दुपट्टा, अनारकली भी बोल सकते हो आप इन्हें, पूरे के पूरे 9 हैं और ये बहुत सुंदर हैं, सारे के सारे स्टिच्ड हैं। तो पूरी वीडियो जरूर देखना, आपको वीडियो देख के मजा आ जाएगा और आपका तुरंत सब कुछ लेने का मन करेगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैं हूँ आप सबकी चहेती गीमा आशी, लेके आ गई हूँ आप सबका फेवरेट और मेरा तो सबसे ज्यादा फेवरेट एथनिक वेयर का हॉल। और आज के हॉल में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत ही प्यारे प्यारे से फुल्ली स्टिच्ड एंड स्टाइलिश अनारकली कुर्ता सेट है पूरे गाइस, बॉटम और कुछ तो पूरे गाउन ही है, इसलिए मैंने पूरा फ्लोर टच इसलिए भी बोला है कि लाइक फुल वन पीस गाउन स्टाइल का दुपट्टा के साथ या कुछ अनारकली। और ये बहुत ही सुंदर प्यारे फैब्रिक के इतने प्यारे प्यारे डिज़ाइन, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। और जो ये ब्रांड है, इस ब्रांड का नाम है तन्हाई, और वेबसाइट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अटैच कर दूंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और मैं सिंगल सिंगल पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का लिंक भी मैं डाल दूंगी जिससे आप इजीली वहाँ पहुँच पाओ। मैंने जितने भी साइजेस मंगवाए हैं वो भी मैं बताती हूँ चेक करके एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल में से मैंने क्या मंगवाया है। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी शॉपिंग से। और एक मुझे शादी में जाना था, भैया की शादी में, उस शादी में जाने से जस्ट 2 दिन पहले मुझे प्रोडक्ट सारे रिसीव होते हैं और उसमें से मैं निकालती हूँ येलो कुर्ता, मैं कहा ये तो मैं पहनूंगी सीधा हल्दी में, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो अभी अपनी आउटफिट डिटेल्स की बात करूँ, अगर आपने मेरा एथनिक वेयर का हॉल देखा है मिंत्रा एथनिक वेयर, तो मैंने एक कुर्ता सेट मंगाया था, ये मैं अभी वही पहन के बैठी हूँ। ज्वेलरीज मेरी बहुत पुरानी है, मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से ली है, तो बस आप मेरे हॉल्स देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये कौन सा सेट है, कहाँ से लिया था, कितने का था। तो या आज का जो प्राइस रेंज रहने वाला है, मतलब मैंने 9 अनारकली कुर्ता सेट या गाउन जो भी आप बोलो, ये सारे के सारे 2000 रुपये के है, 1999, ठीक है, ये इनका प्राइस है। लेकिन जो एक है वो शायद 2300 रुपये का है, तो मैं आपको दिखा दूंगी कि कौन सा क्या है। मैं पहले वो वाला दिखाती हूँ जो मैं ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ, येलो कलर का, और उसकी फोटोज वीडियोज जो भी होंगी वो स्क्रीन पे इधर उधर फ्लैश हो रही होंगी, तो वो आप देखना। तो चलो दिखाती हूँ सबसे पहला अनारकली सूट। गाइज मैं आपको एक चीज़ बताना तो भूल ही गई हूँ, तन्हाई पे आपको COD भी अवेलेबल है और रिटर्न्स भी अवेलेबल है, तो आपको इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि COD है या नहीं है, रिटर्न है या नहीं है, तो आप टेंशन फ्री होके आराम से यहाँ पे ख़रीद सकते हो चीज़ें। और पूरे वीडियो आप देखो, एक और चीज़ सरप्राइज़ है, सोचो अभी बता दूँ, अगर आप मेरा कूपन कोड GEEMA100 यूज़ करोगे तो आपको 100 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मैं आप फ्लैश कर दूँगी मेरा कूपन कोड क्या है, GEEMA100। तो जो भी कुछ पसंद आता है आप खरीद रहे हो, मेरा कूपन कोड यूज़ कर रहे हो, तो जितने का भी आपका शॉपिंग हो रहा होगा तो उसमें आपके 100 रुपीज़ ऑफ हो जाएंगे। तो चलो दिखाती हूँ सबसे पहला सूट। सारे के सारे मुझे इस प्यारे से पैकेट में अच्छी तरीके से पैक्ड हुए हुए मिले हैं सूट। और एक सबसे अच्छी बात बताऊंगी इनके बारे में आपको मैं, ये आजकल वैसे बहुत चल रहा है और गेंजा फैब्रिक वाले सूट, तो ये अनारकली कुर्ता है, मैं आपको दिखाऊं। पहले तो आपको दिखा दूं कि साइड में जिप मिलेगी, जो बेस्ट पार्ट होते हैं अनारकली सूट में, आपको बहुत अच्छे से फिटिंग मिल जाएगी जब आपको ऐसे जिप मिलती है। तो ये फुल स्लीव्स का सूट था, मैं लखनऊ गई थी, वैसे तो वहाँ इतनी ठंड नहीं होती है, लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा ठंड थी तो मैंने ये फुल स्लीव्स का कुर्ता ही वेयर किया था। और ये वेयर करते ही वहाँ पर चटक धूप निकल गई थी, तो मैंने सोचा ओहो कोई बात नहीं। तो ये है ये कुर्ता, आप देख सकते हो पूरा कलियों वाला ये कुर्ता है, इसमें आगे फ्रंट में कलियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। इसका घेर भी बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा घेर है, टाई एंड डाई प्रिंट हुआ हुआ है, नीचे बुकरम लगा हुआ है, तो नीचे इसका बॉटम हार्ड है, बैक से भी ये राउंड नेक है और पीछे आपको ये डोरी मिल जाएगी बांधने के लिए। तो जो मैं बेस्ट पार्ट की बात कर रही थी गाइज, ये पैडेड है, अगर आपका बहुत डीप नेक है, अगर आप कुछ नहीं वेयर करना तो आप इसलिए टेंशन फ्री, आप इसको ईजिली पहन सकते हो, क्योंकि सारे के सारे इनके अनारकली कुर्ते पैडेड हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और ये वाला कुर्ता तो मुझे इतना परफेक्ट लग रहा है ना फॉर हल्दी, तो मैंने इसको हल्दी के फंक्शन में ही पहना था। इसके साथ आपको ये पैंट भी मिलती है, सिंपल, कोई पॉकेट नहीं है, सिंपल सी ये पैंट है। और जो इसका दुपट्टा है वो बिल्कुल सेम वही टाई एंड डाई प्रिंट का ऑर्गेन्जा दुपट्टा है, और साइड में आपको दिख जाएगा गोटा पट्टी लगी हुई है, और बहुत फुल साइज़ का दुपट्टा, और ये बहुत ज़्यादा कलर कॉम्बिनेशन वाइज अच्छा लग रहा था। और
मुझे बहुत पसंद है। अब ज़रूरी नहीं कि मैंने इसको हल्दी का टैग दिया, अब हल्दी में पहनो। अगर घर में कोई पूजा वूजा है और येलो कलर पहनना होता है तो आप इसको पहन सकते हो। बाकी ना मैं स्क्रीन पे या साइड में वीडियो चल रही होगी, आप देख सकते हो कि कहाँ तक की मुझे लेंथ आ रही। मैंने बिल्कुल फ्लैट्स वियर करे हुए, घूम रही हूँ तो आप इसका घेर देख सकते हो कितना घेर है, फ्रंट नेक कितना बड़ा है, बैक से नेक कितना बड़ा है, दुपट्टा कैसा लग रहा है, पूरा लुक देख सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो 2000 रुपये के हिसाब से सिला सिलाया अनारकली मिल रहा है आपको, तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आप देख सकते हो इनकी वेबसाइट जाके, और ब्रांड में आपको बता ही चुकी हूँ तन्हाई ब्रांड का नाम है। तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा 3-पीस अनारकली गाउन है, ये शिफॉन मटेरियल का है, बांधनी प्रिंट का। बांधनी प्रिंट तो मुझे इतना पसंद है, ऊपर से शिफॉन इतना ज़्यादा सॉफ्ट। और मैं जो साइज़ की बात करी थी गाइस, मैंने सारे के सारे अनारकली अपने एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ के मंगवाए, बस 34 था, तो मुझे था ये मुझे परफेक्टली आएगा। ये भी 3-पीस था, दुपट्टा पैंट्स और पूरा कुर्ता, और ये भी 2000 रुपीज़ का है। तो देखते हैं कैसा आया है, मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ वैसे तो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इनके लिए। जैसा उसमें लिखा है ना गाइज, सॉफ्ट शिफॉन, ये सॉफ्ट शिफॉन है। लेट मी करेक्ट, ये 3-पीस नहीं है, 2-पीस है। इसमें बॉटम नहीं है क्योंकि ये पूरा लॉन्ग फ्लोर टच है, ठीक है, देख सकते हो उसका घेर कितना है। इसमें कोई भी कली नहीं है गाइज, ये ए शेप वाला अनारकली है, देख सकते हो, ठीक है, बहुत प्यारा सा इसमें बांधनी प्रिंट है। साइड में आपको जिप मिल जाएगी, बिल्कुल स्ट्रैप्स वाला ये है। एंड गाइज ये बैकलेस है, पैडेड एंड बैकलेस, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितना ढीला जितना टाइट आपको करना है आप उतना कर सकते हो। एंड यहाँ पर हल्की सी ऐसे इलास्टिक भी दी हुई है, ठीक है, और ये पूरा ऐसे क्रिस क्रॉस आएंगे आपके ये डोरियाँ, और ये बैकलेस है, साइड से जिप है। ये कितना प्यारा लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका फैब्रिक कसम से बहुत अच्छा है, पास से आप इसके प्रिंट भी देख सकते हो। और देखो मैंने पूरा ऐसे कर रखा है, तो अब इसका घेर देखो कितना ज़्यादा इसका घेर है। 2000 रुपीज़ के हिसाब से मतलब कुछ डिज़ाइनर सा बैकलेस आपको अनारकली मिलेगा, सिंपल अनारकली नहीं है। और ये है इसका दुपट्टा, और आप दुपट्टे की भी पूरी लेंथ देख सकते हो, साइडों में इसमें गोटा पट्टी लगा हुआ है, ठीक है, सेम जो कुर्ते का प्रिंट है उसी प्रिंट का है, और ये बहुत सॉफ्ट है। चलो फटाफट से वियर करके दिखाती हूँ इसको मैं। गाइज इस सूट का एक बार आप पूरा लुक देखो, ठीक है, कि ये कैसा आ रहा है। इसमें बॉटम्स की नीड ही नहीं है क्योंकि ये फुल लेंथ पूरा का पूरा है। पूरा आप देख सकते हो कि पूरा स्ट्रेट में खड़ी हूँ, कहाँ तक इसकी लेंथ आ रही है। मैंने अभी हील भी वियर की हुई है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। और हील के साथ भी आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा लॉन्ग ये है। इसका दुपट्टा, इसका फिट कितना अच्छा आ रहा है। मैं आपको बैक से भी दिखा दूँ तो बैक से पूरा ऐसे क्रिस क्रॉस करके बंधेगा, प्रॉपर ऐसा लग रहा है कि बनाई मेरे लिए, बॉडी हगिंग अनारकली। इतना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है, स्ट्रेप्स वाला है ये, इसके साथ दुपट्टा आप इसे साइड में ले सकते हो। मुझे इतना परफेक्ट, इतना प्यारा बांधनी प्रिंट का ये गर्लिश लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप इसका फ्लेयर भी देख सकते हो, कितना अच्छा खासा घेर है इसमें, और कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, पैडेड है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। बैक से आप पूरा इसका फिट लुक स्टाइल आप सब देख सकते हो। मैं तो डेफिनेटली इसको 10/10 देना चाहूँगी। आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये मेरा पहला पिंक कलर का सूट आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद आया, डेफिनेटली थम्स अप। नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा जो पर्पल वाइन कलर का एक अनारकली सूट है, ये भी 2000 का है। पिक्चर में देख सकते हो, इसमें पूरा मैंने बैक से इसलिए पिक्चर लिया जैसे दिखा सकूँ कि ये भी पूरा बैकलेस टाइप का ही है, प्लेन है बिल्कुल। और इसके दुपट्टे में आप देख सकते हो थोड़ा वाइट वर्क हुआ हुआ है, और आई गेस सूट पूरा प्लेन है लेकिन दुपट्टा हैवी है। तो चलो देखते हैं कैसा है। वही प्राइस अपना सेम ही है, साइज़ अपना सेम ही है। मुझे ना काफ़ी मज़ा आ रहा है गाइस कि मैं कुछ इंस्टाग्राम के ऐसे काफ़ी पेजेस पे जा के कुछ ऑर्डर कर रही हूँ, देख रही हूँ, मतलब कुछ नया एक्सप्लोर करने में मज़ा आ रहा है। H&M, मिंत्रा, मीशो से हट के कुछ देखने में मज़ा आ रहा है। एंड ये गाइस 3-पीस वाला है, इसमें आपको मिलेगा पैंट्स, आप देख सकते हो प्रॉपर पर्पल वाइन, डीप पर्पल वाइन कलर की ये सिंपल पैंट्स हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था इसका दुपट्टा थोड़ा हैवी है, साइड में ऐसे टेसल लगे हुए हैं, वाइट कलर के थ्रेड वर्क वाला बॉर्डर का ये दुपट्टा है, ठीक है, बीच बीच में भी वाइट फ्लावर्स की बूटियाँ बनी हुई हैं, और फुल लेंथ फुल साइज़ का दुपट्टा आप देख सकते हो, ठीक है। साइड में भी आप देखो ध्यान से तो थोड़ा गोल्डन थ्रेड वाला थोड़ा वर्क हुआ हुआ है, ये रहेगा इसका दुपट्टा। बात की जाए कुर्ते की, तो कुर्ता बिल्कुल ही प्लेन है, देख सकते हो आप।
ये इसका कुर्ता है और अभी ये पीछे से ना पूरा ऐसे टाइट हुआ हुआ है, आपको दिखे तो ये थोड़ा लूज होगा ये चीज़, तो पूरा ऐसे जाल सा बनाएगा। फ्रंट इसका राउंड नेक है, फुल इसकी स्लीव्स है, स्लीव्स में कोई अस्तर नहीं है, बाकी पूरे सूट में अस्तर लगा हुआ है। एंड अगेन आप घेर देखो एक बार कितना ज़्यादा घेर है, और ये कलियों वाला है गाइज, ए शेप वाला नहीं है। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन करूँ कि काफ़ी लोग को नहीं आइडिया हो जाता है कलियों से क्या मतलब है, ए शेप से क्या मतलब है। आप यहाँ से देख सकते हो ये कलियों वाला है और इसमें बहुत ज़्यादा घेर है, अंदर अस्तर भी लगा हुआ है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है, फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब डिसेंट रिच। इसके साथ आपने ये चुन्नी ले ली और कुछ इयररिंग्स पहन लिए अच्छे से सीक्विन वाली चुन्नी, तो बहुत अच्छा लुक आएगा, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अगेन ये पैडेड है और पीछे से आप जितना चाहो इसको लूज़ कर सकते हो, मैंने अभी किया हुआ नहीं है, आया है ऐसे ही है अभी। ये इसके अंदर लंबी सी डोरी, जितना चाहो आप उसको उतना ढीला कर लो। चलो फिर मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपको, पूरा लुक फिट स्टाइल आप देख सकते हो। फिर गाइस मेरे को पर्सनली ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो ये वाइट चुन्नी में जो वर्क हुआ हुआ है, हेड वर्क, सीक्विन वर्क, और ये प्लेन कुर्ते पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे परफेक्टली फिट हो रहा है गाइस, मुझे बहुत सही लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी फिटिंग कराने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी कुछ तो आपको मैं बैक से दिखाती हूँ, अगर आपको टाइट भी हो रहा है तो ये स्ट्रिंग्स जितना आप लूज़ करोगे तो उतनी वो लूज़ हो जाएंगी, साइड में जिप भी है, अंदर काफ़ी मार्जिन भी है, आप थोड़ा लूज़ करना चाहो तो कर सकते हो। पूरी लेंथ देख सकते हो, बहुत अच्छा खासा इसमें फ्लेयर है, और ये पूरा अनार वो कलियों वाला है, ए शेप नहीं है, ये कलियों वाला है, इसमें क्लियरली पूरी कलियाँ आपको दिख सकती हैं, और बहुत अच्छा इसका घेर है। लेंथ भी आप देख सकते हो, कुर्ते जितनी लेंथ है, नीचे जो आपका बॉटम है वो भी थोड़ा सा विजिबल होगा, एंड ऑल ओवर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत सही इसकी फिटिंग है, बहुत स्मार्ट इसका लुक है, और कलर वाइज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आई होप आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। तो चलो मेरी तरफ से तो मैं देती हूँ उसको थम्स अप, नेक्स्ट दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के दिमाग में भी और ऐसे पेजेस हैं ना जिससे आप चाहते हो कि मैं शॉप करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कर देना पेज, हो सके तो लिंक या इंस्टाग्राम आईडी प्रॉपर, जिससे मैं चेक कर पाऊँ कि वो कौन सा पेज है, और मैं थोड़ा गो थ्रू कर पाऊँ उनकी वेबसाइट पे, वहाँ से मैं कुछ मंगाऊँगी फॉर श्योर आप सबके लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में। तो जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, अब गर्मी आ रही है तो फूल पत्ती तो चलेगी ना, तो गाइस ये वाला शिफॉन फ्लोर और प्रिंट का फुल्ली फ्लेयर थ्री पीस अनारकली सूट है, ये भी 2000 का है, साइज मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल मंगवाया। इसका कलर इतना प्यारा है ना, वाइट पे छोटे छोटे से स्काई ब्लू से फूल बने हुए हैं, और ये इतना समरिश लग रहा है ना कि देखने में ही मज़ा आ रहा है मेरे को, कि गर्मियों में पहनने में कितना मज़ा आएगा इसको। देखो ये है इसकी बॉटम, कितने प्यारे से स्काई ब्लू कलर की इसकी बॉटम है, वही सिंपल जैसी पैंट्स होती हैं वही, वैसे तो पूरी हाइडी हो जाएंगी इतनी लंबी तो ये है ही। अब ये है इसका दुपट्टा, अब आप दुपट्टे में वो प्रिंट देख सकते हो जिसकी मैं बात कर रही थी, कि देखो स्काई ब्लू प्रिंट है, छोटे छोटे से वाइट कलर का दुपट्टा, और साइड में लगी हुई अपनी ये गोटा पट्टी वाली लेस, ठीक है। साइज़ देख सकते हो दुपट्टे का कितना बड़ा है। अब मैं दिखाती हूँ इसका कुर्ता, गाइज ये कुर्ता है, फ्रंट भी राउंड नेक है, बैक भी राउंड नेक है, काफ़ी लोग नहीं कंफर्टेबल होते ना बैकलेस में, तो मैंने हर तरीके के सूट मंगाए हैं, क्या आप देख सकते हो, और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हो कितनी हैं, अंदर ना मटेरियल मार्जिन भी बहुत है, अगर आपको लूज़ करना है तो आप इजीली कर भी सकते हो। पीछे आपको नेक पे डोरी मिल जाएगी बांधने के लिए, और छोटी सी ऐसी लटकन भी लगी हुई है, साइड में जिप है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब सूट्स में साइड में ऐसे जिप दी हुई है, अनारकली में जिप हो तो फिटिंग में मज़ा ही आ जाता है। पैडेड है, और बीच में ना इसमें आपको ये वाला थर्माकोल की ये बॉल्स वाला नेक पे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग है, जो बिल्कुल सेम कलर की उतनी दिख नहीं रही है, लेकिन फिर भी डिज़ाइनिंग दी है। कलियों वाला ये अनारकली है, और इसका आप घेर देखो, बहुत अच्छा खासा इसका घेर है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। वियर करके आती हूँ, देखो इसका प्रिंट बिल्कुल, कलर बिल्कुल समरिश वाइब्स दे रहा है ना, बस ये मुझे हल्का सा लूज़ है क्योंकि ये साइज़ स्मॉल है और एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे परफेक्ट आता है, तो हल्का सा लूज़ है, तो ऐसे फिटिंग करने के बाद इसका परफेक्ट फिट आएगा। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है, फैब्रिक बहुत प्यारा है, देख सकते हो कितना ज़्यादा इसमें घेर है, ये कलियों वाला अनारकली है, घेर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, स्लीव्स भी आपको ढीली इसीलिए दिख रही हैं क्योंकि साइज़ ये थोड़ा बड़ा है, तो फिटिंग हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है।
दुपट्टा भी आप देख सकते हो बिल्कुल मैचिंग है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत सॉफ्ट इसका फैब्रिक है, मुझे काफ़ी पसंद है। आप देख सकते हो कहाँ तक के कुर्ते की लेंथ है और फिर आपका नीचे वो पजामा सा दिखेगा जो मैंने पहना हुआ है। अब मैं बात करूँ इसके बैक की, तो बैक का नेक आप देख सकते हो कैसा आएगा, थोड़ा लूज है तो मैं ऐसे खींच के फिट करके दिखाती हूँ, तो बैक से ही ऐसा लगेगा। मुझे काफ़ी सुंदर लग रहा है, बिल्कुल इसको पहन के लग रहा है कि हाँ गर्मियों में पहन के मज़ा आएगा, ठंडक ठंडक सा ये लगेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे पसंद आया मुझे। तो मैं तो देती हूँ इसको थम्स अप और नेक्स्ट दिखाती हूँ। ये वाला अनारकली 3-पीस सेट मैंने मंगवाया ही इसके कलर को लेके, ज़रा एक बार आप ये कलर देखो। मैं रहती हूँ उत्तराखंड, चारों तरफ है पहाड़, और ये फ़ोटो देख के तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था कि मैं भी पहाड़ में रेड कुर्ता पहन के जाके ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक कराऊंगी। एक बार देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसका बैक का डिज़ाइन देखो, मैंने दोनों स्क्रीनशॉट्स लगाती हूँ, पहले बैक का डिज़ाइन देखो फिर फ्रंट का डिज़ाइन देखो, कितना ज़्यादा सुंदर है। ओ गॉड, इसकी नेक भी बहुत अच्छा था, स्वीट हार्ट टाइप का क्या बोलते हैं, चलो देखते हैं कैसे रहता है ये। बहुत ही प्यारा वाला रेड कलर है गाइस, 3-पीस है ये भी, इसमें आप देख सकते हो ये है इसका बॉटम पैंट, सिंपल सॉफ्ट फैब्रिक की इसकी बॉटम पैंट, बिल्कुल प्लेन रेड कलर का इसका दुपट्टा, बिना कोई बॉर्डर बिना किसी चीज़ का, सिंपल प्लेन रेड कलर का दुपट्टा। गाना याद आ गया, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरे हवा के झोंके से, इसी में रील बनाऊंगी पहाड़ों पे जाके, मुझको पिया ने देख लिया हाय धोखे से। ये कुर्ता है, अब इसका नेक का डिज़ाइन देखो, इसका नेक का डिज़ाइन राउंड नहीं है, थोड़ा सा कुछ कुछ हार्ट शेप, क्या बोलते हैं स्वीट हार्ट शेप, इस शेप को क्या बोलते हैं, शायद मैं सही बोल रही हूँ। और अब इसका आप बैक देखो, यहाँ तो पहले आपको थोड़े ऐसे ऐसे स्ट्रिंग्स वाला पूरा दिख रहा है, फिर उसके बाद ना आजकल जो ड्रेसेस नहीं चलती यहाँ से पूरा ओपन होती है, थोड़ी सी कमर दिख रही होती है बैक से, आप फ्रंट में भी बीच में से ऐसे कट वाली चल रही थी, बिल्कुल वही इसका स्टाइल है। और ये ना ए शेप वाला अनारकली कुर्ता है, खलियों वाला नहीं है, ए शेप वाला, और बाप रे बहुत ज़्यादा घेर है इसमें, फुल स्लीव्स भी है, पैडेड भी है, कलर बहुत अच्छा है, लाल दुपट्टा मैं इसमें ज़रूर शूट करूँगी। चलो पहन के देखते हैं कि इसमें फिटिंग की ज़रूरत है या क्या है, कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है गाइस। ये मेरा लाल दुपट्टे वाला सूट का साइज़ है स्मॉल, लेकिन फिर भी ये मुझे सही फिट आ रहा है, इतना लूज़ मुझे नहीं लग रहा है, हाँ थोड़ा बहुत ना मुझे स्लीव से लूज़ लग रहा है, एक्स्ट्रा स्मॉल मुझे परफेक्टली फिट आ रहा है, लेकिन ये स्मॉल है तो कोई नहीं, हम स्लीव्स में थोड़ा करवा लेंगे फिटिंग। मैं आपको इसको पूरा, आप इसकी हाइट देख सकते हो कहाँ तक की है, फिर भी इसमें नीचे पैंट्स हैं, पूरा सॉरी गाउन टाइप का है। बैक से आप देखो, जिस चक्कर से मैंने इसको मंगवाया था कि बैक से कितना ज़्यादा सुंदर इसका बैक है, कोई सोचेगा भी नहीं कि इतना सिंपल प्लेन रेड कलर का ना कलर, पीछे इतना सुंदर इसका बैक है, बिल्कुल प्लेन रेड इसकी चुन्नी, पूरा लुक आप देख सकते हो कैसा आ रहा है इसका, और फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा घेर भी है इसमें, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये मुझे लग रहा है, और पहाड़ों में ग्रीन कलर की वादियों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पर्सनली मुझे तो ये रेड कलर का भी बहुत अच्छा लगा, पूरा फिट लुक सब के हिसाब से, बाकी जो थोड़ा लूज़ है वो मैं फिटिंग करा लूँगी, वो भी बस मुझे स्लीव एरिया से लूज़ लग रहा है, वरना बाकी तो ये मुझे परफेक्टली फिट आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट दिखाती हूँ, एक हमारा रानी पिंक कलर का अनारकली है, ये भी 2000 रुपये का है, लेकिन ये थोड़ा वैसा सा स्टाइल का है, होता नहीं जैसे बहुत पहले चलते थे ऐसे कोटी में वो लगा होती थी, अलग सी कोटी होती थी, आप समझ पाओगे अभी पिक्चर में देख के, आप समझ जाओगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ। ये भी 3-पीस है, देखते हैं ये कैसा है, मतलब इसको देख के ना मुझे वो पुराना टाइम याद आ गया जब मैं छोटी थी और बड़े लोग अनारकली पहनते थे, वो यहाँ से ऐसे कोटी वाला डिज़ाइन होता था वैसा। ये भी पहले मैं दिखा दूँ इसकी, सबकी पैंट्स पहले दिखा दे रही हूँ क्योंकि सिंपल पैंट्स हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। अब इसका जो दुपट्टा है और जो कुर्ते में वर्क है ना, वो सिल्वर के साथ है, पिंक एंड सिल्वर, इसमें आप टेसल का डुमरू सा लटका हुआ है, आप देख सकते हो चुन्नी में बीच बीच में फ्लावर्स, छोटे फ्लावर्स हैं, बॉर्डर में आप देख सकते हो कैसा सिल्वर वर्क है, फ्लावर्स का, थ्रेड का, सीक्विन का, सीक्विन भी है, हाँ सीक्विन भी है, बाकी तो पूरा लेस है, बहुत अच्छा बिग साइज इसका दुपट्टा है। अब बात की जाए कुर्ते की, इस कुर्ते के फ्रंट के स्टाइल, मतलब फ्रंट के पैटर्न को देख के ना मुझे बस एक ही चीज़ याद आ रही थी कि मैं ये पहन के ना जितनी क्लासिकल डांस वाली वीडियोस होती है ना वो बहुत परफेक्टली बना सकती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे से ही पैटर्न बने हुए होते हैं, और अगर ये प्योर वाइट होता तो वाह चार चांद लग जाते, मैं वही बनाती। आप देख सकते हो पैडेड है फ्रंट, नेक में क्या डिज़ाइनिंग है, सिल्वर लेस लगी हुई है, पूरा लुक देख सकते हो चोली का। अब मैं आपको बैक से दिखाऊँ, तो बैक से इसका सिंपल राउंड नेक है, ठीक है,
सिंपल राउंड नेक नहीं है, मतलब ऐसा राउंड कट है बहुत डीप, और ऊपर से ये आपको यहाँ से डोरी मिल जाएगी बंदी हुई, तो ऐसा सा बीच में से ना सर्कल कट हुआ हुआ होगा थोड़ा डिजाइन ऐसा। स्लीव्स फुल स्लीव्स बिल्कुल प्लेन, ए शेप का अनारकली है, बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है। एंड मैं बोल बोल के थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा घेर वाले इनके कुर्ते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है रानी कलर वे अगर क्या आती हूँ। गाइज ये गुलाबी पिंक वाला कुर्ता मुझे हल्का सा लूज है, आई गेस ये स्मॉल है, ठीक है वो तो हम फिटिंग करा लेंगे, बाकी आप पूरा इसका लुक देख सकते हो कैसा आ रहा है। मैं बोल रही थी ना ये वाला पैटर्न बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल अनारकली करने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और आप इसकी चुन्नी देख सकते हो कैसी वर्क वाली चुन्नी है, फ्रंट में बिल्कुल कैसी आएगी, उस कितना लंबा है आप ये देखो, पूरा गाउन स्टाइल वाला अनारकली है, ए शेप वाला। इसके नीचे पैंट्स भी मैंने पहनी है जो बिल्कुल नहीं दिख रही है हील पहनने के बाद भी, पूरा आप घेर देख सकते हो। बैक से मैं आपको इसका नेक भी दिखाऊं क्योंकि हर कुर्ते की नेक की डिज़ाइनिंग बहुत अलग है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी थोड़ा लूज़ है ना तो फिटिंग नहीं आ रही ना प्रॉपर फिटिंग, थोड़ा ऐसा आएगी फिट होने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। नेक भी अच्छा है, फैब्रिक भी अच्छा है और स्टाइल भी सही है, ठीक है इतना बुरा तो नहीं लग रहा है मुझे, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आया, बस थोड़ा सा जो ढीला ढाला है स्मॉल साइज़ की वजह से वो सब फिटिंग हो जाएगा। पास से भी आप पूरा नेक का डिज़ाइन पैटर्न देख लो कैसा है, ठीक है, और चुन्नी भी देख सकते हो, और पूरा घूम के भी दिखा देती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इसमें घेर है, मुझे अच्छा लगा तो मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। गाइज हमारा नेक्स्ट है ना, अब इतने सारे अनारकली मंगवाए मैंने अलग अलग कलर के, मैं ब्लैक को कैसे भूल सकती हूँ, तो जो मैंने नेक्स्ट अनारकली मंगाया है वो ब्लैक कलर का मंगवाया है, मैं नेक बोल रही हूँ, बैकलेस अनारकली थ्री पीस सूट है, ये वाला सूट है जो 2300 रुपये का मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यार, मतलब मैं बैक को देख के मैं ऐसी हो गई, मैंने कहा वाह क्या सूट लग रहा है। स्मॉल साइज़ का है शायद ये वाला, स्मॉल मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ एस का स्टिकर लगा हुआ है, बाकी क्या पता अंदर से एक्स्ट्रा स्मॉल ही निकले, बाकी वो तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज से मंगा ही सकते हो। पहले मैं दिखा दूँ इसका पजामा, सेम पजामा ब्लैक कलर का, इसमें ऐसा फ्रंट बेल्ट है पीछे इलास्टिक है, ठीक है ये इसका पजामा है, साइज़ स्मॉल है पजामे पे तो लिखा हुआ। एंड ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टे में क्या चीज़ है, चारों तरफ बॉर्डर में ना थ्रेड वर्क हुआ हुआ है मल्टी कलर का, एंड उसमें सीक्वेंस भी लगे हुए हैं ट्रांसपेरेंट कलर के जो बहुत अच्छे से चमक रहे हैं, ये देख सकते हो आप इसका दुपट्टा, चारों तरफ बॉर्डर है, बीच बीच में फ्लावर की बूटियाँ बनी हुई हैं, आपको मैं पास से भी दिखा दूँ तो आपको समझ आएगा कैसा मल्टी कलर का ये है, और इसमें जो सीक्वेंस लगे हैं उसका कलर क्या है, और ये दुपट्टा काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो भी कुछ है इसके दुपट्टे में, बाकी तो ये हमारा प्लेन ब्लैक कलर का ए शेप का कुर्ता है, आप देख सकते हो फ्रंट कैसा है इसका, ठीक है। अब सारी बात आती है इसकी बैक से, बैक आप देखो, आपको देखेगा पैडेड है, आप इसमें देख सकते हो कि ना इसमें चुन्नटें डली हुई हैं, कितनी ज़्यादा इसमें चुन्नटें डली हुई हैं, ये आएगा आपके कमर वाले पार्ट में, ठीक है पूरे कमर वाले पार्ट में ये आएगा। एंड इसका शेप आप देख सकते हो, पहले राउंड बन के आ जाएगा और फिर ऐसे ये पूरा कट होगा, ये इसका शेप रहने वाला है। और यहाँ पे आपको ये डोरी भी दी हुई है बांधने के लिए कि अलग आगे से खिसके ना, और इसमें मुझे नहीं लगता ज़िप होगी, और क्यों ही होगी जब पूरा खुला हुआ है, तो इसमें कोई भी ज़िप नहीं है, बस सिंपल पैडेड ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स का, फ्रंट भी दिखा देती हूँ, देख सकते हो ये इसका फ्रंट है। एंड बहुत हैवी लग रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है इसकी स्कर्ट का बहुत अलग पैटर्न है, जितने अभी देखे हमने वो ए शेप के थे और कली वाले थे, ऐसी प्लेटेड वाला अनारकली नहीं था, ये पहला है, तब ये थोड़ा महंगा भी है 2300 का, बाकी वे करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। गाइस ये वाला सूट है 2300 रुपीज़ के अराउंड, आप इसका पूरा लुक देख सकते हो फ्रंट से ये कैसा है, कहाँ तक की इसकी लेंथ है, दुपट्टा इस पर कैसे लग रहा है, ये इसका पूरा लुक रहेगा फ्रंट से। अब मैं बैक से इसका लुक दिखाऊँ तो बैक से इसका लुक ये रहेगा, ठीक है पूरा नेक आप देख सकते हो कैसे बंद होगा, फिर ये फिर इधर, काइंड ऑफ बैकलेस इसका स्टाइल है और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पूरा दुपट्टे के साथ आप देख सकते हो सूट कैसा लग रहा है, पूरा फ्रंट से भी इसमें घेर भी पूरा उतना ही है अच्छा खासा, ठीक है। लेंथ आप देख सकते हो अनारकली कुर्ते जैसी लेंथ है, नीचे आपकी पहनी हुई बॉटम भी दिखेगी, सैंडल्स भी दिखेंगी, बिल्कुल फ्लोर टच नहीं है, दुपट्टे के साथ जो पूरा लुक आएगा वो आप देख सकते हो कुछ ऐसा लगने वाला है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ब्लैक कलर में है। फ्रंट तो बिल्कुल नॉर्मल है ही, फ्रंट का लुक तो पूरा ये दुपट्टा ही ले लेगा, इतना सुंदर है मल्टी कलर सा, और बैक वाओ मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। आई नो काफ़ी लोग कंफर्टेबल नहीं होंगे लेकिन काफ़ी लोग पहनते भी होंगे इतना डिज़ाइनर, तो
सब कैटेगरी है आज मेरे इस हॉल में, सब लोग देख लेना, जिसको जो पसंद आ रहा है वो ले सकता है। तो चलो इसी खुशी में मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। नेक्स्ट हमारा पान प्रिंटेड वाइट कलर का ऑर्गेंजा थ्री पीस अनारकली सूट है, आप पिक्चर में देख सकते हो। ये मैंने सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन और प्रिंट को लेके मंगवाया, पता नहीं क्यों आधी समर चल रहा है मेरे में, आधा कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, ये 2000 रुपये का है, देखते हैं कैसा है। और ये प्रिंट ना वैसे आजकल बहुत ज़्यादा इन है, कि ये भी रीज़न है, आपने काफ़ी साड़ियों में भी ये प्रिंट देखा होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो तो ट्रेंडिंग रील्स में दिखेगा कुछ लोग इस प्रिंट की साड़ी पहन रहे हैं, और सूट बहुत वायरल है, तो मंगवाना तो था ही। मैं ये सोची थी इसकी पजामी कहाँ गुम हो गई। इसका आपको बॉटम पैंट्स वाइट कलर की मिलेंगे, देख ठीक है, ये है इसकी पूरी बॉटम पैंट्स। इसके बाद मैं आपको पहले दिखाती हूँ इसका दुपट्टा, बिल्कुल सेम वही गोटा पट्टी लगी हुई है और ऑर्गेंजा फैब्रिक का पान टाइप के प्रिंट हुए हुए हैं, ठीक है, और बहुत प्यारा लग रहा है यार ये। पास से भी आप देखो, दिस इज़ फ्रंट, पास से भी आप देखो कि कितना प्यारा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ये पूरे समरिश। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका कुर्ता, इसका कुर्ता बिल्कुल सिंपल है, फ्रंट राउंड नेक, ठीक है, बैक से भी राउंड नेक, और इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, स्लीव्स है, पीछे से आपको नेक पे बांधने को डोरी मिल जाएगी, साइड में जिप मिलेगी, घेर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा खासा बड़ा इसमें घेर है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मैंने 9 मंगा के बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी इनकी ट्राई किया, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं सूट, इसको भी मैं वियर करके आती हूँ। वैसे भी हमारा ये लास्ट सूट है, चलो वियर करती हूँ। गाइस थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सेकेंड लास्ट है, वियर करके आती हूँ, लास्ट अभी बचा है। टडा, मैं तो बहुत खुश हूँ आज के सारे अनारकली कुर्तों से। आप ज़रा देखो ये कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, इसका घेर, इसका फिट, इसका लुक, इसका स्टाइल, इसका फैब्रिक, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने परफेक्टली मेरे को फिट आ रहे हैं ना, लाइक मुझे एक सिंगल फिटिंग की सिलाई देने की ज़रूरत नहीं है, ये परफेक्टली मुझे फिट हो रहा है। जिप से आप इजीली इसको पहन सकते हो, पूरा लेंथ देख सकते हो कहाँ तक की इसकी लेंथ है, इसका आप घेर भी देख सकते हो कितना अच्छा खासा नारकली घेर है, चोली की लेंथ कितनी परफेक्ट है। मैं बैक से आपको दिखाऊँ, बैक आप देख सकते हो कितना राउंड इसका, डीप इसका नेक है, बांधना है, स्लीव्स देख सकते हो कहाँ तक की मुझे स्लीव्स आ रही है, ना बिल्कुल छोटी है ना बड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट लेंथ की इसकी स्लीव्स हैं, वाइट कलर की इसकी बॉटम्स हैं। बाकी जब आप इसका दुपट्टा ले लोगे तो कुछ, या मैं बाबा उल्टा दुपट्टा ले ले रही हूँ, तो कुछ ये इसका लुक रहेगा, एंड मुझे बहुत ज़्यादा डिसेंट एंड क्लासी ये लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, परफेक्ट फॉर समर्स, और बहुत लाइट वेट है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, और मुझे ये करने में तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसी फ़ोटोज़ खींचने में कितनी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी कि ऐसे फोटोज क्लिक करवाई भी हूँ, बहुत ज़्यादा सुंदर है। थम्स अप फॉर दिस वन आल्सो, नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो जो हमारा लास्ट बचा है ये प्योर सॉफ्ट जॉर्जेट वाइन कलर का अनारकली दुपट्टा है, अनारकली सूट है, इसका फ्रोलर प्रिंट का दुपट्टा है, ठीक है, ये भी 2000 का है, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज सब कुछ सेम है। मुझे लग रहा है मैंने काफ़ी कुछ ना बहुत सिमिलर टाइप के कुर्ते मंगा लिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छा कलेक्शन मिल गया है देखने में, और आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा बेस्ट है, कौन सा मंगाना है अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। गाइस इसका ऑर्गेंजा दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब काफ़ी कुछ तो मैंने ना कलर प्रिंट और दुपट्टे को देख के मंगाया कि नहीं बहुत अलग है, बहुत अलग है। आप देखो इसमें कितने बड़े बड़े फ्लावर्स बने हैं, क्या अच्छा सा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, ठीक है, गोटा पट्टी लगे चारों तरफ, बस इसका दुपट्टा ऐसा ऑर्गेंजा फ्लावर प्रिंट वाला है। बाकी जो कुर्ता है ये बिल्कुल ही हमारा सिंपल है, ठीक है, इसमें कोई स्लीव्स नहीं है, ये हमारा स्लीवलेस कुर्ता रहेगा, ये मुझे थोड़ा अलग चीज़ दिखी थी, क्योंकि जितने कुर्ते थे मोस्टली वो फुल स्लीव्स के थे, वो आपने नोटिस किया, ये मैंने इसलिए मंगाई, स्लीवलेस है, फ्रंट आप देख सकते हो स्वीट हार्ट टाइप का इसका नेक है, पीछे भी इसका नेक भी डिफरेंट है, पीछे से नेक इसका स्क्वायर है, पैडेड है, साइड में जिप है, पीछे बांधने के लिए नेक पे आपको डोरी मिली है, ए शेप का ये कुर्ता है, कलियों वाला कुर्ता नहीं है, एंड अगेन फिर से मैं आपको दिखा दूँ, अच्छा खासा इसका लंबा चौड़ा घेर है। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इन्होंने इसमें आपको स्लीव्स भी दिए हैं, यस मुझे लग रहा था। गाइस
अगर आपको ये कुर्ता पसंद आ रहा है और आप स्लीवलेस नहीं वेयर करते तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छे खासा स्लीव्स का मटेरियल भी मिल रहा है, तो आप चाहो तो उसमें स्लीव्स अटैच करवा सकते हो, क्योंकि मैंने जब टच किया तो मुझे फील हुआ कि कुछ तो है अंदर, स्लीव्स भी है नहीं, तो ये स्लीवलेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये पूरा गाउन जितना लंबा है तो इसके नीचे कोई पजामी वजामी नहीं है, आप खुद का कुछ भी वेयर कर सकते हो। तो चलो इसको भी वेयर करके आती हूँ। गाइज ये हमारा इस हॉल का लास्ट सूट है और आप इसका पूरा लुक देख सकते हो। ये स्लीवलेस है, कहाँ तक किसकी लेंथ है, ये बहुत ज़्यादा ही लंबा है। अगर मैंने हील्स ना पहनी होती तो लिटरली पोछा मार के चलता है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसका दुपट्टा देख सकते हो, इसके साथ लिया हुआ कैसा पेयर्ड अप में पूरा का पूरा सूट कैसा लग रहा है। कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है इसका, फैब्रिक भी बहुत स्मूथ है, पूरा आप घेर देख सकते हो, स्लीव्स भी इसमें अटैच तो हैं ही। बाकी मैं बैक से आपको दिखाऊँ तो बैक से आप देख सकते हो इसका नेक की स्टाइल क्या है, जिप है, सब कुछ है। बाकी मैंने आपको पूरा वियर करके दिखाई दिया है कि कैसा लग रहा है। मुझे तो सब कुछ इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे एथनिक कपड़ों से कुछ ज़्यादा ही प्यार हो गया है समय के साथ। और ये इतने सुंदर है ना, मैं आपको बस क्या बताऊँ। शायद आप मेरा ये फील समझ पाओ जब कभी आप ऑर्डर करोगे, आपके सामने वो प्रोडक्ट होगा, जब आप पहन के शीशे में ऐसे घूम रहे होंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। सो गाइज दैट्स इट, ये थे मेरे बहुत ही सारे, बहुत ही प्यारे, बहुत ही कलरफुल, डिजाइनर, स्टाइलिश अनारकली कुर्ते गाउन जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मतलब इतना अच्छा फैब्रिक लुक एंड फिट मुझे मिलेगा और इस प्राइस रेंज में पूरे रेडी टू वियर। बहुत मज़ा आया। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो कुछ अलग हटके, कुछ काफ़ी डिफरेंट, बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, भर भर के कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट आप क्या वीडियो देखना चाहते हो, कौन से ब्रांड, कौन से वेबसाइट, कौन से पेज से देखना चाहते हो, वो भी बता देना। और हाँ, ये मत भूलना कि अगर आप कुछ भी यहाँ से शॉपिंग कर रहे हो तो मेरा कूपन कोड जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है वो आप यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी जितने भी प्रोडक्ट के चीज़ें हैं वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। COD भी है, रिटर्न भी है, तो आप आराम से शॉपिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। फिर भी आप कभी यहाँ से शॉपिंग करो तो अपना एक्सपीरियंस मुझसे शेयर ज़रूर करना, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि अगर आपने कुछ मंगाया वो कैसा आया है, या जैसा भी आपका एक्सपीरियंस रहता है प्लीज़ बताना। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आए सारे के सारे अनारकली सूट। तो गाइस दैट्स इट, चलो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मेरी वीडियोस पे ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए, मैं बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए। तो गाइस चलो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू।